नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ के व्यस्त बाजारों में ऑड इवन खत्म, खुलेंगी सभी दुकानें। दिल्ली मानसून सत्र पर भी कोरोना का असर, दोनों सदन अलग अलग समय पर चलेंगे, प्रश्नकाल भी नहीं होगा। विपक्ष का आरोप, लोकतंत्र की हत्या के लिए महामारी का बहाना बनाया। मोदी कैबिनेट में कर्मयोगी योजना को दी मंजूरी, जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल भी पास। चीन से लड़ने के लिए तैयार की गई थी एक खुफिया रेजिमेंट, ये सेना के बजाय रॉ के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। दिल्ली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए एलजी अनिल बेजल ने की बैठक। एलजी ने 7 सितंबर से दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी दी। देश में अब तक 37.69 लाख मामले सामने आए, इनमें से 11,000 स्वास्थ्य कर्मचारी। दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद, अब केवल इमरजेंसी मरीजों को मिलेंगी बेड। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 70% सिलेबस के आधार पर होंगी परीक्षाएं, शिक्षा विभाग की बैठक में फैसला। हिमाचल के 4 जिले नशे की चपेट में, केंद्र सरकार से जारी हुए रिपोर्ट में खुलासा। वजीफा घोटाला मामला, लुधियाना में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।